अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ निसार हुसैन। तो आज हम आपके लेके आए चीज़ी पनीर बाइट्स। आज हम आपको दिखाएंगे चीज़ी पनीर बाइट्स आप घर पे कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल कम टाइम, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। खाने में बहुत ही मज़ेदार है और जो बनाने का तरीका बिल्कुल हम आपको आसान तरीका बताएंगे ताकि आप जो है इस चीज़ी पनीर बाइट्स को जो है घर पर बना सकें, बहुत ही आसान रेसिपी। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो के बिल्कुल ना करना, वीडियो कहीं तक जरूर देखना। उसके लिए पहले हमने यहाँ पे ब्रेड दो पीस ले लिए, वाइट ब्रेड लिए हुए हमने यहाँ पे, और पनीर के क्यूब्स ले लिए, थोड़ी बहुत मेयोनीज ले लिया, थोड़ी सी पिज्ज़ा सॉस और मोज़रेला चीज़ ले लिया हमने यहाँ पे, और थोड़े से वेजेस ले लिए ऑनियन और कैप्सिकम के। तो पहले जो है हम ब्रेड के ऊपर पिज्ज़ा सॉस लगा देंगे। पिज्ज़ा सॉस आपको नॉर्मली मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगी। तो ये देखिए जी, इस पर पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे, इसके बाद लगा देंगे इस पर मेयोनीज। अगर आप मेयोनीज बनाना चाहते हैं घर पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, हमने वीडियो अपलोड करके रखा है आप मेयोनीज घर पे कैसे बना सकते हैं। तो अब जो हमने लगा दिया मेयोनीज इसके ऊपर, अब जो लगा देंगे हम पनीर के पीसेज इसके ऊपर। ये देखिए जी, इस तरीके से लगा दिया हमने पनीर के पीसेज। अब जो है दूसरी ब्रेड के पीस पर लगा देंगे पनीर के पीसेज इसी तरीके से। अब जो हम इसके ऊपर लगा देंगे वेज कैप्सिकम एंड ऑनियन। तो ये देखिए इस तरीके से जो हमें वेज लगाने हैं इसके ऊपर, लगा दी वेज। अब जो हम इसके ऊपर डाल देंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। आप चाहें तो आप इसके ऊपर अमूल चीज़ भी डाल सकते हैं। ये देखिए चीज़ डाल के ऊपर से डाल देंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे और डालेंगे थोड़ा सा ओरिगनो। तो ये चिली फ्लेक्स हमने थोड़ा सा डाल दिया इसके ऊपर और डालेंगे थोड़ा सा ओरिगेनो इसके ऊपर। ये देखिए ओरिगेनो डाल दिया हमने। ये देखिए जी, हो चुका है रेडी यहाँ पे। अब जो हम एक ग्रिल पैन ले लेंगे, इसको जो हमें बैक करना है उसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। ये देखिए जी, हमने बटर मेल्ट किया हुआ था पहले से, उसके बाद इसमें ऐड कर दिया हमने। अब रख देंगे इसके पैन के ऊपर इसको, तो ऊपर से जो हम इसको कवर कर लेना आप अच्छे से रख के पैन में। अब जो हम एक बाउल ले आएंगे, तो ये लाया हमने बाउल, इसको जो है 5 से 6 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल हमें कम रखनी है। 5 से 6 मिनट हो गए, तो ये देखिए हमने कवर हटाया इसका, तो चीज़ हमारी जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल हमें जो है कम रखनी है पहले से ही, ताकि नीचे से हमारी जो है ब्रेड ना जल जाए। तो अब जो हमें इसको निकाल देना है, अब जो हम इसके पीस कर देंगे। तो ये देखिए जी, हो चुका हमारे चीज़ी पनीर बाइट्स जो है रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में जो है बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए और आप हमारा हर एक आने वाला वीडियो देख सकें। इस वीडियो को जो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, और साथ साथ में जो है हमारे चैनल को भी जो है जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।